नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिर से आ गए एक और टॉपिक के साथ, क्योंकि मैंने ये देखा है कई लोग जब किसी से मिलने जाते हैं ना, तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली इसका जवाब दे सकते हैं तो यानी आपके पास एक जॉब है। लेकिन जो नहीं दे पाता है वो कहता है कि कुछ तो सोचा है या आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं दे पाता है? तो आज इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि हमें किस टाइप का जॉब करना चाहिए और जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जॉब क्या है? सिर्फ एक 9 to 6 वाली जॉब? आप 9 बजे जाओगे, 6 बजे आओगे, या कभी आपका सिर्फ जाने का पता होगा लेकिन आने का पता नहीं होगा। जॉब वो करते हैं जो कि बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। देखिए, नैरो माइंडेड यानी जॉब में हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम और एक गोल के बारे में सोचना होता है, वो नैरो माइंडेड। और जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा ब्रॉड माइंड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत होता है या बिजनेस करना सही होता है। द पार्ट विच इज कि आपको क्या करना है। आपको अगर 9 to 6 अगर जॉब करना है तो क्या आपको वो जॉब पसंद है? क्या आप, अगर कोई आपको ये पूछता है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है या तुम्हें काम कैसा चल रहा है तुम्हारा, अगर आप ये कह सकते हो ना कि मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग इट, तो दैट वर्क नीड्स यू, योर 100%। ना कि वो जगह जहाँ पे तुम्हारा वर्किंग एटमॉस्फेयर ख़राब है, जहाँ पे तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है, तुम वहाँ पे कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। इफ़ यू आर थिंकिंग स्विच, कर लो चेंज यार, ज़्यादा समय नहीं लगता। आजकल लोगों को टैलेंट चाहिए। आप सभी के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है ना जिसकी हद नहीं, जिसको आप जितना खोद के बाहर निकालेंगे उतना कम होगा, क्योंकि वो डीप इनसाइड है। इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट है आप लोगों में। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी व्हाट यू वांट, यू कैन डू 9 to 6 जॉब। बट क्या वो 9 to 6 जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? क्या आपको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो वो आपके लिए है। आप उसके साथ साथ आगे पढ़ाई करिए उसी फील्ड में, उसी चीज़ में, ताकि आप और अच्छा करें, और अच्छा ग्रो करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रैप करें। इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्विच, स्विच इन सेकेंड्स, डोंट थिंक ट्वाइस। अगर आप ये कहोगे कि मैं कल करूँगा, कल करूँगा, कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सबसे खास बात यह होती है क्योंकि वो कल होता है। इसीलिए जो करना है, जो भी सोचा है आपने करने के लिए, वो आज पे करिए। शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे मुझे वहाँ जाना है, इस टाइम पे मुझे उसके पास होना है। आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए हर एक काम के लिए। कौन कहता है कि जॉब में लोग सक्सेसफुल नहीं होते? जॉब में भी लोग मिलियनेयर बनते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ तब होती है जब आप किसी को जॉब दे सको। बी समवन जो कि किसी की लाइफ चेंज कर सके, ना कि अपनी लाइफ किसी की वजह से चेंज कर दे। इन्जॉय व्हाट यू डू, लव व्हाट यू डू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। आई होप कि आप लोग अपने जॉब को सीरियसली लेंगे, और अगर आप 9 to 6 अगर कर रहे हैं तो शायद कुछ चेंज ज़रूर करेंगे।